नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। सावन का महीना शुरू हो गया है। इसी बीच आज सावन के महीने की पहले सोमवारी का व्रत है। इस बीच सरकार के कुछ आदेश और नियम और कानून हैं, जिसमें मंदिर को सख्त बंद रखने की हिदायत दी गई है और लोग जो व्रत करते हैं, जो सोमवारी का पूजा करते हैं, उनको अपने घर में ही इस पूजा करने का निवेदन किया गया है। लेकिन पटना के सबसे प्रसिद्ध बैकटपुर का जो मंदिर है, शिव मंदिर, जो बहुत फेमस है, आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो बाबा धाम, बनारस के बाबा धाम के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ की स्थिति कैसी है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इतने अनुशासन के बाद, इतने पाबंदियों के बाद, सरकार के बार बार मना करने के बाद भी सावन की शुरुआत होते ही पहले सोमवारी पर इस मंदिर का ऐसा नज़ारा दिख रहा है, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को तो बहुत दूर छोड़िए, एक दूसरे को धक्का देकर शिवलिंग पर और शिव भगवान पर जल चढ़ाने को आतुर हैं। लोग कोरोना महामारी को भूल चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ शायद लगता है कोई प्रशासन नहीं होगा या मंदिर के जो पुजारी हैं वो नहीं होंगे, या क्या वजह थी कि इस मंदिर को खोला गया और क्या वजह थी कि इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े भीड़ दिखाई जा रही है, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं अचानक से और यहाँ पर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर इस तरीके का हाल रहा तो आप सोच सकते हैं कि तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को धक्का देकर मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं। साथ ही वहाँ जो आसपास की दुकानें हैं वो भी खोल दी गई है। आपको बता दें कि सावन के महीने में यहाँ पर हर साल महामारी से पहले मेला लगता था। हालांकि अभी उतनी बड़ी मात्रा में मेला तो नहीं लगी है, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उसमें ऐसा जरूर दिख रहा होगा कि आसपास की दुकानें खुली हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग इस पूजे का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन ये कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है ये ना तो इन लोगों को पता है, ना वहाँ के आसपास के लोगों को और ना ही शायद पुजारियों को, और प्रशासन की भी इस पर शायद अभी तक नज़र नहीं पड़ी है, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर इस मंदिर के इतिहास की हम बात करें तो इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर के बारे में ये भी बताया जाता है कि इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। छोटे शिवलिंगों को रौद्र रूप कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बैकटपुर जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस मंदिर की सबसे खास बात एक और भी है, शिवलिंग रूप में भगवान शिव के साथ यहाँ पर माता पार्वती भी विराजमान है। इतना ही नहीं, पूरे शिवलिंग पर 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं। यही सब वजह है जिसके कारण ये मंदिर बिहार में सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में एक है, और इसीलिए इसकी देखरेख की और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को देखनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पहले से यह आशंका होना चाहिए था कि लोग बड़े मात्रा में आ सकते हैं, तो इसके लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किया जाना चाहिए, लोग कैसे मनाकर उनको घर भेजना चाहिए। लेकिन वो सब तो बहुत दूर, यहाँ पर लोग शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मास्क को छोड़कर और एक दूसरे को धक्का देकर शिव पे जल चढ़ाने के लिए आतुर है। हालांकि ये उनके आस्था का प्रतीक है, इस पे किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन हम इस बीच ये भी ध्यान रख सकते हैं और ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि अभी महामारी का दौर चल रहा है और महामारी में इस तरीके के तस्वीर आना दुविधा प्रकट करती है। एक आश्चर्यजनक बात है कि लोग भी ना समझ है, साथ साथ प्रशासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही दिख रही है। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।